अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आज भी बहरिया टाउन में आप लोगों के पास पिसिंग 23A के अंदर को विला है। पिसिंग 23A नाज़रीन बहरिया टाउन का वो इलाका जो बाउंड्री वॉल से बाहर गया, बहरिया टाउन के मुतासिन की फहरिस्त में आने वाले ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बहरिया टाउन में घर की यानी विला की बुकिंग करवाई थी, जिसमें 200 गज के विलाज और 125 गज के रिहायशी विलाज थे, लेकिन ये बदकिस्मती से इन लोगों को नहीं मिल सके कि बहरिया टाउन ने इस इलाके में घर नहीं बनाए। या इसके अलावा प्रिसिंग 27 का वो एरिया जहाँ पे विलाज बनने थे और फिर वो विलाज नहीं बने, जहाँ स्केटिंग पार्क की जगह थी वहाँ विलाज ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस बहरिया टाउन नहीं बना सका। आज मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं कि आप विला के बदले विला ले सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास ये विलाज की फाइल्स आज भी मौजूद हैं और वो 100% यानी उसके चार्जेस वगैरह क्लियर हैं और आपके पास ब्लू फॉर्म यानी बुकिंग के टाइम की वो फाइल हो या बुकिंग के बाद की भी हो, खैर एंटरटेन हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि अगर आपके पास ब्लू फॉर्म वाली बुकिंग वाली फाइल है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम एंटरटेन कर सकते हैं। यानी हमारे पास कुछ ऐसी लिमिटेड इन्वेंट्री मौजूद है 10B और 11B में, जहाँ पे 152 गज के कुछ रिहायशी विलाज हैं जिसमें आपकी इस अमाउंट को भी एडजस्ट किया जाएगा और गालिबन कुछ एडिशनल अमाउंट भी है जो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी और आप लोग 100% बना हुआ कब्जे वाला घर हासिल कर सकते हैं। मेरा ये मैसेज पिसिंग 23A विलास और पिसिंग 27 के वो हमारे विला मालिकान जिन लोगों को विला नहीं मिले, वो बहरिया टाउन के मुतासिन की फहरिस्त में आ रहे थे या परेशान हैं, उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि आप लोग आइए हमारी टीम से रब्ता कीजिए। स्क्रीन पर राशिद भाई, हसीब भाई और दीगर दोस्तों के नंबर दिए हुए, आप लोग रब्ता करके अपना बना बनाया घर 100% बना कब्जे वाला घर पिसिंग 10B में और 11B में या इसी इलाके में इसी के करीब करीब आप लोग हासिल कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।